गाइस, अगर मैं डार्क वेब की बात करूं तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस जगह को विजिट भी करो, क्योंकि 6 ऐसी स्टोरीज मैं आपको डार्क वेब की सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि डार्क वेब पे सही और गलत के बीच में कोई डिफरेंस है, और इसका नाम है माई नेम इज डेरियस। ये जो स्टोरी है हम एक रेडिट के यूजर के थ्रू पता लगी, जिसका यूजर नेम है द रियल एडी वाईटी। डार्क वेब को विजिट करने के लिए ना एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, और वो आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखता है, किसी को नहीं पता लगता। और इसी चीज को डबल श्योर होने के लिए जो हमारे स्टोरी टेलर है डेरियस, उन्होंने जो है वीपीएन भी ऑन कर दिया था, और उसके बाद उसने डार्क वेब एक्सेस करना शुरू किया। और जैसे उसने ब्राउजिंग स्टार्ट करी कि वहां पर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेल हो रही है, ड्रग्स मिल रहे हैं, वेपन मिल रहे हैं, ये सब देखने के बाद डेरियस को एक सडनली लिंक दिखती है सामने अपने, उसमें लिखा होता है वांट अ सरप्राइज, क्लिक ऑन दिस लिंक, और डेरियस उसको क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद सडनली उसको एक वीडियो दिखनी स्टार्ट हो जाती है जो कि लाइव स्ट्रीम होती है, जो पूरा अंधेरा रूम होता है और उस पे सिर्फ एक चेयर होती है, और उस लाइव स्ट्रीम के नीचे एक चैट बॉक्स होता है जहां पर एडमिन लिखता है लेट द गेम्स बिगिन। और फिर एक आदमी जो है एक लड़की को खींच कर लेकर आता है और उस चेयर पे बिठा देता है। स्केरी बात यह है कि वो लाइव स्ट्रीम उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए होता है, और जितने भी व्यूअर्स होते हैं उस लाइव स्ट्रीम के, वो $500 बिटकॉइन में दे रहे होते हैं उस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए। और ये सब देखने के बाद डेरियस बहुत ज्यादा डर जाता है और लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डेरियस बंद करने लगता है लाइव स्ट्रीम को, उसके पास एक पॉपअप आता है लीविंग सो सून डेरियस। यही सबसे शॉकिंग पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टॉर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देता। इनफैक्ट यहां पर डेरियस ने वीपीएन भी लगाया था, तब भी उस लाइव स्ट्रीम के एडमिन को कैसे पता लगा कि उसका नाम डेरियस है। स्टिल डेरियस और डर जाता है और वो जो है फिर से क्लोज करने की कोशिश करता है, और यहां पर एक और बार पॉपअप आता है कि अगर फिर से बंद करने की कोशिश करी तो अगली बार उस लड़की की जगह पे डेरियस तुम होगे वहां पर। इतना ही नहीं, जो एडमिन था उस लाइव स्ट्रीम का, वो डेरियस का एड्रेस लिख देता है। और ये सब देखने के बाद डेरियस इतना डर जाता है कि वो पूरे ब्राउजर को बंद कर देता है। और इस सारे इंसिडेंट के कुछ दिन बाद डेरियस को पता लगता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, और हैकर कैमरे को पूरा हैक कर उसकी काफी सारे पिक्चर्स भी ले चुका है। और कुछ दिन बाद और अजीब चीज होती है कि डेरियस एक दिन अपने घर में घुसता है और उसका गेट खुला हुआ होता है, और यहां से उसको आइडिया लग जाता है कि हैकर्स उसके घर तक पहुंच चुके और वो ट्रैक कर लिया गया है। और इसके बाद डेरियस अपने कमरे में जाता है और उसको उधर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है थॉट वी वुडंट फाइंड यू। और इन सब के बाद होश उड़ाने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल से डेरियस का कुछ अता पता नहीं है, और उसने उस रेडिट पोस्ट को आज तक अपडेट नहीं करा है, और कुछ नहीं पता डेरियस के साथ क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमने अक्सर सुना है डार्क वेब पे ऐसी कुछ सर्विसेज अवेलेबल होती है कि अगर आप किसी को जान से मरवाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। हम इस चीज को ज्यादातर मजाक में लेते हैं, बट अगली स्टोरी इसी से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना, एक एजेंसी है यूरोपोल, और एक इटालियन आदमी को 2021 में अरेस्ट करा इस एजेंसी ने। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस आदमी ने एक हिटमैन हायर करा था डार्क वेब से, और उसको 10,000 यूरो बिटकॉइन के फॉर्म में दिए थे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने के लिए। करंट सिचुएशन की बात करो तो हमेशा ये बात याद रखना गाइस, डार्क वेब पे जो लोग होते हैं उनको ढूंढना इम्पॉसिबल होता है। उस हिटमैन को अभी तक एजेंसी नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन उस आदमी के ऊपर चार्जेस भी लगे हैं और वो अरेस्ट भी हुआ। नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, और इस स्टोरी का नाम है द मिसिंग गर्लफ्रेंड। ये स्टोरी भी हमें जो है रेडिट के एक यूजर के थ्रू पता लगी है, जिसका यूजर नेम है iOS Jailbreak God। इस स्टोरी में 3 लोग इन्वॉल्व है, जो रेडिट यूजर है वो, एक एलेक्स और एक मार्क। ये 3 दोस्त जाते हैं डार्क वेब पे। इनका बताना है कि ये लोग बोर फील कर रहे थे, इसलिए डार्क वेब पे चले गए और सडनली एक चैट बॉक्स को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और वहां पर उन 3 दोस्तों ने एक्सपीरियंस करा कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं चैट करने के लिए, कोई गन्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है। लेकिन सिचुएशन ट्विस्ट होती है जब एक बंदे ने उनको मैसेज करा और बहुत प्यार से पूछा हाय हाउ आर यू। और ये बहुत अनयूजुअल होता है डार्क वेब पे कि कोई तमीज से आपको आपके हालचाल पूछ रहा है। ये देखने के बाद रिप्लाई किया उन लोगों ने हाय आई एम फाइन हाउ आर यू। और रिप्लाई देखने के बाद वो 3 दोस्त एकदम डर जाते हैं, क्योंकि उसका रिप्लाई आता है हाय आई एम फाइन हैव यू सीन एलिस। और एलिस जो है मार्क की गर्लफ्रेंड का नाम था। और इसमें डरावना पार्ट ये है, क्योंकि यहाँ पर एलिस को पिछले 2 महीने से मार्क ने नहीं देखा था, वो गायब हो गई थी सडनली। उन 3 दोस्तों ने उस स्ट्रेंजर से और बात करी उस चैट
बॉक्स पे ये पूछने के लिए कि एलिस कहाँ पर है, कैसी है, और फिर उस स्ट्रेंजर का रिप्लाई कुछ ऐसा आता है कि एलिस जो है एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं ही उसको लेकर गया हूँ और मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। और ये सब सुनने के बाद मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे एलिस से मिलना है, मैं कहाँ पे मिल सकता हूँ। रिप्लाई में स्ट्रेंजर जो है एक एड्रेस देता है जहाँ पर मार्क आके एलिस से मिल सकता है। बट यहाँ पर डरने की बात ये है कि स्ट्रेंजर ने साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर वो तीन नहीं मिलने आए तो फिर एलिस को कोई भी दुनिया में कभी भी नहीं देख पाएगा। और सबसे सैड पार्ट तो ये है कि यहाँ पर अभी तक उस रेडिट यूजर ने इस स्टोरी को अपडेट नहीं किया इसके बाद वो गए या फिर नहीं, और अगर गए तो आगे क्या हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। नेक्स्ट स्टोरी जो है टेकी लोगों को पता होनी चाहिए, ये डार्क वेब के इतिहास में एक बहुत बड़ी कहानी है और इसको बोला जाता है द सिल्क रोड। ये वेबसाइट एक अमेजोन की तरह बनाई हुई थी बट यहाँ पर सब कुछ ही तो हमें इलीगल मिलता था, जो भी आप सोच सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ड्रग्स, वेपन्स, सब कुछ यहाँ पर मिलता था। और इस वेबसाइट को बनाया था रॉस विलियम अल्ब्रिक्ट ने। रॉस ने इस वेबसाइट को कुछ इस तरीके से डिजाइन करा था कि यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं, बस बिटकॉइन आपको देने हैं, और ये जो है सबसे बड़ी डिजिटल ब्लैक मार्केट। ये वेबसाइट इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी कि FBI की नजर पड़ी 2013 में और फिर FBI ने इसको शट डाउन करा। और 2015 में जो है रॉस पकड़ा गया और उसको भी जेल में भेजा। रॉस को उम्र कैद की सजा हुई थी और वो आज भी जेल में। चीजें माइंड ब्लोइंग अब होंगी जब आपको नंबर पता लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो है FBI ने बताया 1,44,000 बिटकॉइन सीज हुए हैं, पकड़े गए हैं, जिनकी वैल्यू उस टाइम पे 250 करोड़ रुपए थी। और उन बिटकॉइंस की वैल्यू आज के टाइम पे कन्वर्ट करी जाए तो 616 करोड़ के आसपास जाती है। ये नंबर्स बहुत बड़े थे। और इन सब के बाद भी हमें आज के टाइम पे भी डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी डार्क डिजिटल वेबसाइट्स दिख जाती है जो सामान हमें बेच रही होती है। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है द क्रीपी बिडिंग। ये स्टोरी भी एक रेडिट यूजर के थ्रू पता लगी है जिसका यूजर नेम है प्राइवेट आर्म। ये स्टोरी एक 20 साल की लड़की की है जो कि पार्ट टाइम जॉब करती थी एज अ क्लीनर एक स्कूल में। वो रेगुलरली जॉब कर रही थी लेकिन एक दिन आता है जब वो देखती है कि क्लासरूम की लाइट ऑन है। जब वो अंदर जाके देखती है तो एक लैंप जला होता है और स्क्रीन में कुछ वेबसाइट खुली होती है जो बहुत अजीब सी दिखती है। ये सब देख के लड़की डर जाती है बट फिर वो लैंप ऑफ करके जाने लगती है कि इतने में एक आदमी आ जाता है और वो आदमी उस लड़की से पूछता है कि वो इधर कर क्या रही है। और जब उन दोनों में बात होती है तो पता लगता है कि वो आदमी स्कूल के अंदर एक टीचर है। तो जैसे ही वो लड़की जाने लगती है तो वो टीचर उस लड़की को रोक कर कहता है क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो एक पिटीशन बना रहा है जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा फंड्स ला सके क्लास के लिए। बस उस लड़की को हेल्प ये करनी थी कि अपनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसको एक फॉर्म भरना था और उस टीचर की हेल्प हो जाती और उस लड़की ने हेल्प कर दी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर। उस टाइम तो लड़की वहां से चली जाती है बट इसमें अजीब बात यह है कि वो टीचर उस लड़की को एवरीडे दिखने लगा और उसको एक बहुत अजीब सी स्माइल देता था, उसको अजीब तरीके से देखता था और इन सब चीजों से वो लड़की अनकंफर्टेबल होने लगी। ये सब रेगुलरली हो रहा था लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो टीचर थोड़ा थोड़ा कम दिखने लगा उस लड़की। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रही होती है और उनमें से एक फ्रेंड उस लड़की को बोलता है मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप एक सेकंड साइड में आ सकते। फिर वो लड़का अपना लैपटॉप खोलता है और उसके अंदर डीप वेब खुला हुआ होता है और वो दिखाता है उस लड़की को कि तुम्हें जो है ऑक्शन पे डाल रखा है और तुम्हारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है यहाँ पर। और ये सब देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और एकदम से उसको याद आता है कि एक टीचर ने उसकी ऐसी सारी इंफॉर्मेशन ली थी, वो एग्जैक्ट चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। लड़की ने फिर देरी नहीं करी, सीधा पुलिस के पास वो जाती है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है उस टीचर के ऊपर। पुलिस को उस टीचर के कंप्यूटर में बहुत अजीब अजीब वेबसाइट्स दिखती है और साथ में बहुत सारी लड़कियों का पर्सनल डाटा भी मिलता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जो है उस टीचर के घर पे कुछ अजीबोगरीब मशीन मिलती है, वुडन कॉन्ट्रैप्शन मिलता है और ये देखने के बाद आखिरी में वो टीचर पकड़ा जाता है। और इसी के चलते मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी रैंडम वेबसाइट पे मत डाला करो, ना ही किसी स्ट्रेंजर को दिया करो, यहाँ पर डाटा की कीमत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और इसका नाम है ऑर्गन सेलिंग। मैं खुद के एग्जाम्पल समझाता हूं, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और उसके नीचे कमेंट करके मेरे से रिक्वेस्ट करते हो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना। ऐसे ही एक यूट्यूबर की एक कहानी है जिसका नाम है आमिर। उसके सब्सक्राइबर्स ने उसको रिक्वेस्ट करा कि भाई आप प्लीज डार्क वेब पे जाओ। आमिर ने अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पूरी करी और वो लाइव आ गया और लाइव डार्क वेब को ब्राउज करने लगा। पहले तो उसको जो है वही रैंडम वेबसाइट्स मिली जहां पर उसको वेपन्स, ड्रग्स मिल रहे थे। फिर सडनली वो एक ऐसी वेबसाइट देखता है जहां पर डोनर्स अपना ऑर्गन देने के लिए रेडी थे, जैसे कि किडनी
नहीं, और वो भी थोड़े बहुत पैसों के लिए। वो वेबसाइट इतनी ज्यादा अजीब थी कि वहां पर ये तक लिखा हुआ था कि हमें कोई बीमारी नहीं है पास्ट में, हमारी किडनी बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, ऐसी ऐसी चीजें वहां पर लिखी मिली उसको। इतना ही नहीं, वहां पर ये तक डोनर्स ने लिखा हुआ था कि अगर आपको किडनी चाहिए तो आपको हमारे ट्रेवलिंग का खर्चा करना पड़ेगा और सर्जरी का भी। और ये सब देखने के बाद आमिर को बहुत डिस्टर्ब फील हुआ। यहाँ पर सारी स्टोरीज खत्म हो जाती है। लास्ट में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज कभी भी डार्क वेब को विजिट मत करना, ये चीज सेफ नहीं होती। ये कुछ स्टोरीज थी जो सामने आ गई, ऐसी ना जाने कितनी स्टोरीज होंगी जो सामने भी नहीं आई होगी। आई होप आपको जो है कुछ एक नई चीज़ जानने को मिली हो, नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। मैं एवरी थर्सडे 8 PM ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ। आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो आप यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।